हेलो दोस्तों, आज की वीडियो के दौरान हम बात करने वाले हैं बेबी फ्लो की शिप के बारे में। निकल कर आ रहे बेहद ही दमदार लगभग 8 खबरों के बारे में, और आज के लिए बेहद ही ज्यादा शानदार होने वाली है खबरें, बिकॉज बहुत ही तगड़ी यहां पर डिप चल रही है। सभी के बारे में बात करने वाले हैं। छोटी सी वीडियो है, बिल्कुल भी स्किप मत करना अगर आप इन्वेस्टर हैं या फिर इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। तो मेरा नाम है जेडन, तो चलिए भैया शुरू करते हैं। सबसे पहला अपडेट निकल कर आया है बेबी फ्लो की शिप की तरफ से, जहां पर देख सकते हैं भैया इनका यहां पर 7 घंटे में 10 ट्रिलियन का बर्निंग होने वाला है, और इनका है कि भैया हम 520 ट्रिलियन हर एक साल में बर्निंग कर देंगे। मतलब हम मान सकते हैं कि भैया 2 साल से पहले इनका लगभग 99.99% यहां पर बर्निंग हो जाएगा, जो इनके प्राइस को बहुत तगड़ा यहां पर बूम कर सकता है। सेकंड अपडेट के बारे में बात करते हैं, जहां पर ये पोस्ट किया गया था भैया शिबा होल्डर की तरफ से, जिन्होंने खुद ने कहा था कि बाय नाउ बेबी फ्लो की शिप, यह अगला शिबा है, अगला बेबी डॉजकॉइन है, अगला फ्लो की इन्हें, और ये खुद भैया $1 तक इसे होल्ड कर रहे हैं। डिलीट करिए थे भैया इसने, देख सकते हैं 7 दिन में 3 जीरोस को इसने डिलीट किया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं, आपको प्रोफाइल पर भी लेकर चलता हूं, देख सकते हैं 3,28,000 इनके फॉलोवर तकरीबन अवेलेबल है। अगले अपडेट के बारे में बात करते हैं, जो यहाँ पर बेबी फ्लो की शिप की तरफ से कि भैया जैसा कि जिस दिन यह ट्वीट हुआ था उसी दिन उन्होंने 19% की जगह से जो स्लिपेज था बाइंग पर उसको 10% कर दिया था, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पर लुफ्त उठा सके, और उसके बाद में उन्होंने भैया 10 का 10 ही रखा है। आज जो बर्निंग है, बर्निंग जैसे खत्म हो जाएगा शाम को, उसके बाद में भैया 20% स्लिपेज वापस इनका लगने लग जाएगा, 19% का तकरीबन लगने लग जाएगा। तो मेरे हिसाब से अभी ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, इन्होंने जैसा कि खुद ने भी लिखा, इट्स ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू बाय बेबी फ्लो की शिप टूडे, बिकॉज हमें पता है कि देख सकते हैं भैया टुडे ओनली के लिए है, 10% बाइंग पर स्लिपेज लगने वाला है, होल्ड कर सकते हैं $1 तक। इनके जो ऑडिट थे वो दूसरी बार भी यहां पर भैया वेरीफाई हो चुके हैं, बहुत ही फटाफट इनके ऑडिट्स आए हैं। अगले अपडेट के बारे में बात करते हैं, जहां पर भैया एडमिन की तरफ से खुद ने दावा किया है, बिकॉज इनका जो प्राइस था 0.000045 था, मतलब अगर मैं बात करूं कितना होता है तो आपको बता देता हूं, अभी से लेकर जो मतलब लॉन्चिंग का जो प्राइस था 5 जीरो के साथ में, और इन्होंने जो अपना ऑल द टाइम हाई दिया था भैया, देख सकते हैं ऑल द टाइम हाई इन्होंने दिया था, आपको बताना चाहता हूं 0.003 2 जीरो के साथ में 3 का यहां पर इन्होंने ऑल द टाइम हाई दिया था। उसके हिसाब से अगर मैं इसके रिटर्न को कन्वर्ट करके बताऊं तो भैया लगभग इनका जो रिटर्न होता है वो होता है लगभग भैया 66,666% का, लगभग इन्होंने रिटर्न दिया है मात्र 15 दिन के अंदर इन्होंने रिटर्न दिया है 66,000% का। पहले होल्डर के लिए चीज काम करती है, दूसरे के लिए धीरे धीरे से रिटर्न कम होते रहते हैं। अब जैसे भैया कल किसी ने इन्वेस्ट किया तो उसके लिए तो रिटर्न -13% हो गया, तो उसी प्रकार चीजें काम करती है। और आज बहुत ही तगड़ी डिप चल रही है, अगर एंट्री लेनी हो तो 8 और ऑन रिस्क आप ले सकते हैं। उसके बाद में भैया इन्होंने खुद ने गारंटीड दावे किए हैं कि भैया वी आर गोइंग टू 1 सेंट गारंटीड बाय द एडमिन बिफोर जुलाई, मतलब 5 महीनों के अंदर अंदर यह 1 सेंट तक ले जाने वाले हैं। अब यह दावा किस प्रकार से मुनासिब होता है उसके बारे में थोड़ा कैलकुलेट आपको करके दिखा देता हूं। जैसे कि देख सकते हैं अभी जो भैया प्राइस चल रहा है 0.001224 पर चल रहा है, मतलब एक ही जीरो केवल इनको हटाना होता है, एक जीरो का मतलब हो गया भैया लगभग 600-700% का अगर इन्होंने रिटर्न दिया, जो लगभग 4 दिन पहले कहा गया था कि भैया अगर हम 1000% रिटर्न देते हैं तो हम 1 सेंट पहुंच जाएंगे, लेकिन उसके बाद में इन्होंने लगभग तगड़े रिटर्न दिया, और अब इनका वापस जो आंकड़ा निकल कर आ रहा है लगभग 700 से 750 के तकरीबन है। अगर 750 के तकरीबन रिटर्न और देते हैं भैया तो यह आसानी से 1 सेंट को क्रॉस कर पाएंगे, शिबा इनको जो रिकॉर्ड है वो भैया यहां पर इन्होंने तोड़ दिया जाएगा। मेरे हिसाब से जुलाई से पहले पहले नहीं, उससे भी पहले यहां पर हो जाएगा। और अगर मैं भैया बात करूं मेरे खुद का, तो यहां पर आपको बताना चाहूंगा कि भैया जिस प्रकार से इन्होंने खुद ने एक ट्वीट किया था कि समथिंग कमिंग होल्ड $1, पहले टारगेट रखे गए थे 1 सेंट के, लेकिन अब उन्होंने उस टारगेट को बढ़ा दिया है, बिकॉज 1 सेंट का टारगेट तो बहुत ही नजदीक है, 1-1.5 महीने के अंदर से भी पहले मेरे हिसाब से कंप्लीट हो सकते हैं, बिकॉज लास्ट 3 दिन के अंदर अंदर इन्होंने 150% का रिटर्न और निकालकर दिया है। इन्होंने कहा कि डोंट बी पेपर हैंड्स, मतलब केवल बाय कर लेते हैं उसके बाद में वापस बेचते रहते हैं, उसका क्या मतलब है? अगर आपको पैसा कमाना है तो बड़ी रकम एक साथ भी कमा सकते हैं, मार्क अवर वर्ड्स, मतलब मेरे शब्दों को लिख लीजिए, ईट द डिप्स और रिग्रेट लेटर। अगर आपने अभी डिप को बाय कर लिया तो आप सही है, और बाद में भैया फुल ऑन फाइनल पछताने वाले हैं। होल्ड डॉलर, मैं तो भैया $1 तक इसे पक्का होल्ड करने वाला हूं, $1 के बाद में भी भैया काफी ज्यादा क्वांटिटी जिसकी मैं होल्ड करने वाला हूं। और मैं खुद अगर आज बताऊं तो भैया आज मैं खुद यहां पर बहुत बड़ी क्वांटिटी में बेबी फ्लो की शिप को फिर से बाइंग करने वाला हूं, और उसके बाद में बता देना चाहता हूं कि इसके तरफ से $10,000 का गिव अवे भी यहां पर पार्टिसिपेट किया गया है, ऑर्गेनाइज किया गया। अगर आपको पार्टिसिपेट करना हो तो भैया डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, और अगर आपको भैया खरीदना हो बेबी फ्लो की शिप तो जाकर नीचे वीडियो दिया गया है हाउ टू बाय बेबी फ्लो की शिप। लेकिन जहां पर जो स्लिपेज है भैया मेरा लगभग 19 से लेकर 25 तक बताया गया, लेकिन आज उसको आप 10 से लेकर 15 तक भी ट्राई कर सकते हैं, बिकॉज आज स्लीपर थोड़ा कम यहां पर
लग रहा है। तो ये थे हमारे सभी अपडेट अबाउट द बीबी फ्लो की शिब, और मेरे हिसाब से भैया बढ़िया कॉइन है। जिन्होंने भी एंट्री लिए थे $10 के भी उनके यहाँ पर $90 हुए, किसी के $100 के यहाँ पर $1200 हुए, मेरा बताऊं तो भैया 50,000 के 20-30 BNB से ऊपर हो चुके हैं। तो ये सभी अपडेट थे जो मैंने यहाँ पर कवर कर लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और भैया शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ठोक दीजिए लाइक को। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।